हाय गाइस, क्या आप अपने घर की किचन बनवाने वाले हो बट कलर कॉम्बिनेशंस देख देख के आप कंफ्यूज हो गए? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको किचन के कलर कॉम्बिनेशंस को कैसे सेलेक्ट करना है कि लग्जरी फील आए, जो मैं फोटो यहां दिखाऊंगा बेस्ट किचन्स की उसके कोड भी दूंगा कि इजीली आप अपने घर की किचन के लैमिनेट्स खरीद पाओ। और इतना नहीं, साथ के साथ वो दो चीजें भी बताऊंगा। पहली कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस नहीं लेने हैं जिससे कि किचन जो आपकी लगेगी बहुत गंदी, और दूसरा मैं आपको वो ट्रेंडिंग मटेरियल बताने वाला हूं जिससे आपका बजट जो है जहां पे बढ़ने वाला था वो हो जाएगा कम, और वो है इस साल का ट्रेंडिंग मटेरियल 2023 का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटी कोच पे, और मैं आपका इंटी कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और अगर आप इस वीडियो को देख के अपनी किचन के कलर्स चूज करते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना कि हमें भी पता चले कि यार हमारी जो वीडियो है वो एकदम सही काम कर रही है। तो बेसिकली इंटीरियर कोच ने किचन को चार थीम में डिवाइड किया। सबसे पहले आती है लग्जरी थीम, दूसरी आती है हमारी कंटेम्पररी थीम, तीसरी आती है मिनिमल, और चौथी आती है हमारी एंटीक या ट्रेडिशनल किचन, आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्जरी किचन की। तो लग्जरी किचन की फील को पाने के लिए हमें तीन ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। ट्रिक नंबर वन, कलर, मतलब कि सेम कलर हमारा नीचे वाले कैबिनेट का और ऊपर वाले कैबिनेट का कलर हमेशा सेम रहना चाहिए। ट्रिक टू, हमारी जो लग्जरी किचन है वो हमेशा सीमलेस होनी चाहिए, डोंट वरी, फोटो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड ट्रिक नंबर थ्री, बैक स्प्लैश टाइल, जो पीछे की टाइल लगती है, और काउंटर जो किचन के ऊपर जहाँ पे हम चॉपिंग और होब वगैरह लगते हैं, उन चीजों का हमें, इन तीन ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब चलते हैं अपने सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे जहां से मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करूंगा। अब आप ये फोटो देख रहे हो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सेम कलर। क्या इस फोटो में देख पा रहे हो कि नीचे वाले कैबिनेट्स और ऊपर वाले कैबिनेट्स का जो कलर है वो सेम है? तो इसमें जो छोटी सी ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है कि हमेशा इसमें सिर्फ दो ही टाइप के कलर यूज करने होते हैं, मतलब कि ग्रे फैमिली से और दूसरा हमारा बेज फैमिली से। और ये जो कलर मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वन ऑफ माय बेस्ट कलर है। अभी मैंने अपना रिसेंटली घर रेनोवेट किया है तो मैंने भी इसमें यही किचन बनाई है। इस कलर का नाम है कैपचिनो, डोंट वरी, वो भी आपको बताऊंगा। अब ये दूसरी फोटो देख रहे हो कि इसके अंदर भी नीचे मैंने सेम रखा है, ऊपर सेम रखा है। अब यहाँ जो फ्रिज के ऊपर हमने वुड का टेक्सचर दिया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है किचन से डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आउट हो रहा था, तो उसको हमने अलग से दिखाने के लिए यहाँ पे ये वाला कलर डाला है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने बिल्कुल सेम रखा है। अगेन ये थर्ड व्यू है उसी किचन का, अब देखो सेम यहीं पे आ गया ना, पीछे देख रहे हो कलर जो है वो सेम मैच करा दिया गया, जिसकी वजह से इसकी जो फील है वो अभी आप खुद बताओ लग्जरी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये जो कलर है ये अगेन ग्रे फैमिली से आता है। अब हो सकता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये जो कलर है वो अलग दिख रहे हो क्योंकि हर मोबाइल में या हर लैपटॉप में कलर जो है बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, तो इसीलिए मैं इनके कोड आपको दे दूंगा। अब जो दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी, वो दूसरी ट्रिक क्या थी, आप पहले कुछ फोटोज आ देख लो। ये अगेन कैपचिनो कलर और ये उसी का दूसरे शेड का कलर। अब आपने एक चीज नोटिस करी, इन सारी किचन्स के अंदर कहीं भी हैंडल जो है वो नहीं लगा हुआ। सी, यू प्रोफाइल्स और वो सब है, लेकिन अलग से जो होता है ना हैंडल बाहर की तरफ निकला रहता है वो नहीं डालना है, नहीं तो जो लग्जरी है वो खत्म हो जाएगी। लग्जरी किचन हमेशा सीमलेस दिखनी चाहिए। और गाइज, नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो होम केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर होने वाली है कि अक्सर होता है ना, मैं बाथरूम की क्लीनिंग के लिए कौन सा केमिकल बेस्ट रहेगा, टाइल के लिए कौन सा केमिकल रहेगा, या हमारी किचन की स्लैब है उसको कौन सा बेस्ट क्लीनर रहेगा। तो डोंट वरी, हम अपना खुद का इन हाउस प्रोडक्ट एक आपके लिए लेके आ रहे हैं जो पूरी एक किट होगी जिसके अंदर फर्नीचर, लेमिनेट शाइनर और ये सारी चीज आपको मिल पाएगी, जो कि जल्द ही मार्केट में अवेलेबल जाएगी। अब बात करते हैं अपने कंटेम्पररी की, मतलब कि कंटेम्पररी किचन उन लोगों को हो गया कि यार हमें चाहिए कुछ ऐसी किचन कि जब हमारे घर में कोई आए तो भाई आई कैची किचन दिखनी चाहिए और भाई देख के बोले भाई वाह क्या किचन बनाई है। इस चीज का ध्यान रखना, जो फोटोज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन अगर वो ट्रिक नहीं सीखी तो वो सारी चीजें गलत हो सकती हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। कंटेम्पररी किचन में क्या ट्रिक होती है, इसमें हम ड्यूअल टोन कलर का यूज कर सकते हैं, जो हमेशा हमें करना ही करना है, और दोनों कलर का हमेशा कॉन्ट्रास्ट मैच होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्ट्रास्ट का मतलब सिंपल तरीका, अगर कोई चीज डार्क है तो कोई चीज उसकी लाइट होगी, अगर हमने ब्राइट येलो किया है तो उसका थोड़ा सा डल शेड लगना है, और अगर हमने मस्टर्ड मतलब डार्क येलो किया है तो हमें ब्राइट व्हाइट लेना पड़ेगा। तो अब सीधा फोटो देखते हैं। अब आप ये फोटो देख रहे हो, दोनों कलर्स है, अब इसमें क्या है, एक कलर ब्राइट है और नीचे दूसरा कलर डार्क। अब जो ट्रिक मैंने बताई थी, हमेशा ध्यान रखना कोई भी कलर, जो भी कलर आप यूज कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे कोई डार्क कलर है, कोई ब्राइट कलर है, उसको हमेशा काउंटर के नीचे रखना है,
ऊपर नहीं रखना है। ऐसा क्यों? सपोज करो कि मैं दूर खड़ा हूँ और अपनी किचन को देख रहा हूँ, तो दूर से मुझे लाउड कलर बहुत प्यारा दिखाई देगा, और जब जैसे जैसे मैं किचन के पास जाऊंगा तो अब अंडर कैबिनेट तो नीचे रह गए, वो तो नहीं दिखने वाले मेरे को। जब मैं किचन पे या हॉब पे खड़े होकर कोई चाय बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, तो नीचे कलर्स नहीं दिखेंगे, मुझे ऊपर के कलर्स दिखेंगे, और ऊपर के कलर्स थोड़े से अगर ब्राइट होंगे वो हमें सूदिंग लगेंगे, आंखों में चुभेंगे नहीं। तो इसे हम कंटेम्प्रेरी कम आई कैची किचन बोल सकते हैं। इसमें आप लाइटर शेड भी ले सकते हो, डार्क भी ले सकते हो, ये आपकी कॉल है। मैं आपको कुछ फोटोज अब यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऊपर जो है ब्राइट है, नीचे डार्क है। अब देखो अगेन, अब बताओ इसमें ट्रिक क्या है, क्या गलती क्या है? राइट, आप समझ चुके हो कि ब्लू वाले को नीचे होना था और वुड वाले को ऊपर होना था। अब देख लो, यहाँ पे नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है, चाहे वुड हो चाहे व्हाइट हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। सी अगेन, सी यहाँ पे मस्टर्ड नीचे ठीक है, लेकिन डार्क कलर ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना था? लाइट। तो ये भी डिजाइन जो है तरीके से गलत है। अब आते हैं हम तीसरे पे, जिसे कहते हैं मिनिमल, या ये उनके टेस्ट होते हैं जिन्हें आई कैची शॉप से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सीरियसली वो ये उनके डिजाइन है जो अपने लिए किचन डिजाइन कर रहे हैं। मतलब कि यार कोई क्या सोचेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं जब किचन में घुसूं तो मुझे वो किचन प्यारी लगे, मुझे उससे एक वाइब आए, पॉजिटिव वाइब्स आए, मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ तो कलर देख के मैं खुश हूँ। इसको हम यार कुछ टैगलाइन दे दें, आप कमेंट करके बताओ कि जिन्हें दूसरा क्या सोचेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या मैं बोलूँ? तो अगली वीडियो में मैं उसको बोलूंगा जरूर नाम लेके कि किसने ये डिसाइड किया। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले ये, इसमें भी हम मिनिमल में ड्यूअल टोन में जाते हैं, सिंगल टोन में भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ग्रे और बेज होता है लग्जरी का, और यहाँ पे कलर्स होते हैं, मतलब कि पेस्टल कलर्स या न्यूट्रल कलर्स जिन्हें हम बोलते हैं। सी अब देख रहे हो, ये ग्रीन की फैमिली का कलर आ गया, ये अगेन देख रहे हो। अब इसके अंदर जो टाइल्स हैं वो लाइट पिंक शेड के, और ऊपर जो कलर है अगेन सी ग्रीन की फैमिली का। सी देख रहे हो, अब ये कोई मोब कलर आ गया, जो प्याजी कलर जैसे बोलते हैं उसका लाइटर शेड, ये अगेन ग्रीन, एंड दिस इज समवॉट क्लोज टू ब्लू। ब्लू की बहुत ही अलग फैमिली का कलर है, अब पता नहीं आपकी स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा। सी और ये कलर चूज करने के लिए भाई हिम्मत चाहिए, और वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। सी अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये है लग्जरी किचन, लेकिन हम इसे मिनिमल में काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रे प्लस ड्यूअल टोन आ गया, और लग्जरी के लिए मैंने कैसे कहा था, सीमलेस होनी चाहिए और कलर सिंगल होना चाहिए, ड्यूअल टोन नहीं होना चाहिए। देन और ये पेस्टल कलर्स में भी आ गए, तो दिस कम्स इनटू व्हाट मिनिमल चाहिए। अभी कुछ फोटोज आप देख लीजिए। सी दिस इज आवर डिजाइंस, इंटीरियर कोच डिजाइन, देख रहे हो दिस व्हाट कलर्स जो आई को सूदिंग लगते हैं, हमेशा चीयरफुल रहते हो आप इन कलर्स। और सेकंड जो मैंने आपको बताया कि कौन से डिजाइन नहीं चुनने हैं, अक्सर आप चुन लेते हो लेकिन आप आई नो कोशिश तो पूरी करते हो, लेकिन ये डिजाइन 10-15 साल पुराने हो चुके हैं, अब ये डिजाइन नहीं चलते हैं। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ जिसमें रैंडम कलर होता है ना, कहीं बीच में ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं, वो नहीं करना है, ये बहुत ही क्लमजी लगते हैं। तो अब आप ये कुछ फोटोज देख लो। ट्रेडिशनल और थीम भी होती है, वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, उसमें कुछ ऐसा अलग से बताना नहीं है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, वहां से आप देख लेना। अब जो मैंने आपको बताया था वो दो ट्रेंडिंग मटेरियल जो 2023 में बूम मचाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये फोटोज देखो, फिर मैं बताऊंगा कि वो जो कॉस्ट रिडक्शन था, जहां हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना था, वो अब कैसे पैसा कम हो जाएगा। इसमें आपको ये लाइन समझ आ रही है, ये लाइंस बेसिकली होती क्या है, हम इनको बोलते हैं फ्लूटेड, मतलब कि फ्लूटेड पैनल्स हो गए। अगेन मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूँ, लूअर्स बोल दिया या फ्लूटेड बोल दिया, ये फ्लूट हो गए। अब होता क्या है ना, ये फ्लूटेड बेसिकली एजीएचएमआर में सीएनसी कटिंग करानी पड़ती है, जिसका बोर्ड का अलग खर्चा, सीएनसी कटिंग का अलग खर्चा, उसके बाद उस पर डीको या पीयू कराने का अलग खर्चा, मतलब कि ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अब जो है वो फ्लूटेड लेमिनेट आ चुके हैं, जो सीधा आपको किचन पे लगा डालना है और आपको आ जाएगा मजा। तो ट्रेंडिंग मटेरियल में हमारा हो गया फ्लूटेड लेमिनेट, और दूसरा ट्रेंडिंग मटेरियल हो गया फ्लूटेड ग्लास। गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट हम आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज लेके आए, वो ये कि जब हम पूरा एग्जीक्यूशन करते थे तो मॉडलर के लिए हमें भी थर्ड पार्टी पे ही डिपेंड होना पड़ता, क्योंकि यार उसमें मशीनें बहुत महंगी लगती हैं। तो फाइनली हमने अपनी फैक्ट्री, अपना काम, वो क्या वो डायलॉग होता है ना, अपना मकान अपनी गाड़ी, वो सब कर दिया है, और अब सारी चीज होंगी इनहाउस, क्योंकि हमें भी काफी डिले झेलने पड़ जाते थे। फाइनली वी आर नाउ इनहाउस कंपनी। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, फर्स्ट 100 कस्टमर्स को स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी थीम्स बता रहा हूँ जिसमें मैं 3 से 5 कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सबके कोड्स देने जा रहा हूँ, एंड लेट्स हिट इट।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर आप हमारी वीडियो देख के किचन बनाए तो इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कर देना। तो और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे हमें कोई टिप के लिए फॉलो करना। टिल देन गुड बाय।